हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ख़ास करके V2 स्टोर के एम्प्लॉय के लिए जो V2 स्टोर में काम कर रहे हैं उनको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेफ टिकट के बारे में, जो कि V2 स्टोर में बहुत ही यूज़ किया जाता है बहुत सारे कामों के लिए, तो वही जानेंगे। और इस वीडियो में टोटल 29 सेफ्टी कोड कवर किया है, और बाकी जितना भी सेफ्टी कोड रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई थिंक, मुझे लगता नहीं है ये 29 जो सेफ्टी कोड है वही हम लोग क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते रहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क के लिए। तो हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे जो भी जितना सारा सेफ्टी कोड है जो डेली बेसिस पे यूज़ होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे या फिर आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ चैनल का जो बेल आइकन रहेगा उसको भी प्रेस कर लीजिए। अभी बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर कि आज जो हमने टॉपिक लिया है तो उसी टॉपिक को अभी देखते हैं। तो सबसे पहला टिकोड है ZSDC_reports। तो इससे क्या क्या काम होता है वो सारा स्क्रीन पे दिख रहा है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। पिकिंग रिपोर्ट्स, पुटुए रिपोर्ट्स, पुटुए शॉर्ट रिपोर्ट्स, प्रोसेसिंग रिपोर्ट्स, या फिर रिवर्सल पिकिंग या फिर रिवर्सल पुटुए रिपोर्ट्स देख सकते हैं इससे। नेक्स्ट टिकोड है ZLX03Q। तो इससे हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, इससे हम लोग चेक कर सकते हैं B01 डिटेल्स। B01 क्या है ये आप सबको मालूम ही होगा, जो GRN पुटुए है वो मारने से पहले जो क्वांटिटी या फिर आर्टिकल होता है वो B01 है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम टिकट से आप DC या फिर वेयरहाउस का इन्वेंटरी भी चेक कर सकते हैं। तो ZLX03 का ये तीनों फंक्शन है, दो फंक्शन है, तीन नीज। और नेक्स्ट है ZSDC_GRT। तो इस टिकोड का बेसिकली यूज़ होता नहीं है, फिर भी अगर कम्युनिकेशन आता है कि इसे मतलब सेफ से करना पड़ेगा आपको GRT, तभी जाके इस टिकोड को यूज़ करना है। और इस टिकोड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, GRT या फिर HU जो होता है, GRT का ही प्रोसेस है HU मेकिंग, उसी टिकोड से आप HU बना सकते हैं। तो ये टिकोड रेयर केस में ही यूज़ होता है। तो हमारा ये टिकोड है YWM_PRDNEW। तो PRDNEW कब यूज़ किया जाता है, जैसे कि मुझे देखना है कि कितना मैंने HU बनाया या फिर कितना HU मेरा रेडी है या फिर 0005 में या फिर कितना HU मेरा जाएगा, तो सब डिटेल्स GRT का जो जितना भी HU बना के रखा हुआ है इसी टिकोड में हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं जाके। तो ये टिकोड का काम ही यही है। और अगला है मेरा YWM_HU_status। HU status कब यूज़ होता है, HU status यूज होता है तभी यूज़ होता है कि जब मुझे जानना है कि जो भी मेरा HU है वो कौन सा लोकेशन में, मान लीजिए इन ट्रांजिट में है कि नहीं, मेरा स्टोर में रिसीव हुआ कि नहीं, कौन सा स्टोर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो ये डिटेल्स देखने के लिए आपको YWM_HU_status में जाके चेक करना पड़ता है। अगला है मेरा ZSDC_PUT11। ये बहुत ही पहले यूज़ होता था पुटुए के लिए, अभी इसका उतना यूज़ होता नहीं है। अभी सारा काम इस टिकोड का HST में होता है। अगर मान लीजिए HST में नहीं हो रहा है तो इसी टिकोड को थ्रू मुझे पुटुए करना पड़ेगा, बट इसके लिए मुझे ऊपर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो इसी से हम लोग पुटुए करते हैं। और इसके बाद है मेरा ZSDC_PUT81। इससे हम लोग क्या करते हैं, इसका भी यूज़ नहीं होता है, ये ऑल्टरनेटिव है। अगर आपका HST से काम नहीं हो रहा है या फिर HST से बंद कर दिया, तभी जाके इस टिकोड से आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग का जितना भी मर्चेंडाइज है वो आप फ्लोर में दे सकते हैं इस टिकोड के थ्रू। बस वही काम है इसका और पुट 11 का।
अगला है मेरा ZHU-2FL। ये ZHU-2FL क्या होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, जो रिटर्न का स्टॉक रहेगा, रिटर्न का स्टॉक तो हम लोग बेसिकली किस लोकेशन में रहता है, 0004 में, और 0004 से 0001 में ट्रांसफ़र करने के लिए इस टिकट का यूज़ किया जाता है। तो इस टिकट का वही काम है, सिर्फ रिटर्न ट्रांसफ़र करना पड़ता है आपको फ्लोर में या फिर सेल एरिया पे देने के लिए ZHU-2FL का। अगला है मेरा ZSTRE-02, तो उसका रिलेटेड है हम लोगों का GRT से। किसी HU बनाने के बाद इसका जो पैकिंग स्लिप निकालना पड़ता है वो हम लोग इस टिकट के थ्रू निकालते हैं, और पैकिंग स्लिप में आ जाता है कि क्या क्या हम लोगों ने MC ब्रांड या फिर जो भी है डाला है, वो पैकिंग स्लिप के थ्रू आ जाता है। और अगला मेरा है ZBL-MOB। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टिकट के थ्रू आप अपना आउटबाउंड क्रिएट कर सकते हो। इस टिकट के थ्रू अगर आपने किसी एक साइट में GRT बनाया है तो उस साइट को आप चेंज कर सकते हो इसी टिकट के थ्रू। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है GRT मेकिंग के लिए। अगला है मेरा BL-02N। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, PGI के टाइम इसको यूज़ करना है। जैसे कि हम किसी मैंने आउटबाउंड क्रिएट कर लिया GRT का, भी मुझे PGI करना है तो इसी टिकट के थ्रू करना पड़ता है। ये GRT का प्रोसेस है, और PGI मारने के बाद ही आपका क्या होता है, इनवॉइस क्रिएट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो PGI हम लोगों को तभी मारना है जब पूरा गाड़ी अलाइन हो चुका हो तभी। अगला है मेरा YWM_GENR। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टिकट के थ्रू आप देख सकते हैं आपका कितना गाड़ी इंट्रांजिट पे है, आपने कितना गाड़ी भेज चुका है, और इसका सारा जो डिटेल्स है इसी टिकट के थ्रू आप निकाल सकते हैं। और यहाँ से आपको निकालने के बाद कितना मतलब MC या फिर इनडेप्थ चाहिए तो और भी कर सकते हैं। तो अगला मेरा है YWM_GENT। ये कब होता है यूज़, ये होता है जैसे कि कोई सामान आया या फिर कोई भी चीज़ आया, तो वो हम लोग रिसीव करने के लिए सबसे पहला स्टेप है क्या है, गेट एंट्री। तो गेट एंट्री इसी टिकट के थ्रू मारना पड़ता है या फिर करना पड़ता है। तो ये गेट एंट्री के बिना कोई काम तो होता ही नहीं, मतलब कोई स्टॉक रिसीव ही नहीं होगा, तो ये इससे यूज़ करना है। सेकंड, इसके बाद है मेरा YWM_GPASS। तो GPASS भी GRT का ही प्रोसेस है, एकदम लास्ट प्रोसेस है। जैसे कि आपको इनवॉइस बना दिया, इनवॉइस बनाने के बाद आपको B2 में क्या करना पड़ता है, लास्ट काम है इनवॉइस के बाद गेट पास। तो गेट पास बनाने के लिए, गेट पास से पहले आपको गेट एग्जिट बनाने के लिए आपको गेट पास बनाना पड़ेगा। तो गेट पास बनाने के लिए वो YWM_GPASS बनाना पड़ता है। तो GPASS बनाने के बाद आपको क्या काम है, GPASS बनाने के बाद आपको गेट एग्जिट बनाना पड़ता है। गेट एग्जिट बनाने के बाद ही आपको HO से E-Waybill या फिर E-Invoice दोनों मिलेगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गेट पास आप इसी टिकट के थ्रू बना सकते हैं। इससे पहले आपको गेट पास बनाना पड़ेगा, इसके बाद आपको गेट एग्जिट। तो ये है आपका BF-01। तो BF-01 को क्या करना है, इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, इनवॉइस। और इनवॉइस बनाने से पहले क्या करना पड़ता है, PGI। तो PGI बनाने के बाद इनवॉइस बनाने के लिए आपको BF-01 में जाना पड़ता है। जाने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट डिटेल्स है वो डालने के बाद ही आपको इनवॉइस बन के रेडी होगा। तो इनवॉइस बनाने का टिकट क्या है, सिंपल BF-01। इसके बाद आएगा आपका BF-02। BF-02 से क्या कर सकते हैं, इनवॉइस बनाने के बाद जो मुझे इनवॉइस प्रिंट आउट करना है स्टोर से, तो इसका टिकट है आपका BF-02। और BF-02 से आप इनवॉइस प्रिंट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ किसी और एक कोई भी एक इनवॉइस का आप डिटेल्स एक्सेल में भी वो कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसी टिकट के थ्रू आप
इनवॉइस को एक्सेल में लेके जा सकते हैं। और ये अगला इम्पोर्टेंट है मेरा YMM BC 05। इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, बारकोड जनरेट कर सकते हैं। मतलब किसी होता है WBC का बारकोड चाहिए, तो इसी टी कोड के थ्रू हम लोग बारकोड जनरेट करके बारकोड पेस्ट करके मतलब WBC को हटा सकते हैं या फिर WBC ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी टी कोड के थ्रू आप जो भी डिटेल्स है वो भी मिल जाएगा इसी टी कोड के थ्रू। नेक्स्ट है FBCJ। तो FBCJ का काम वही है जो एक्सपेंसेस होता है स्टोर में, तो एक्सपेंसेस को एंट्री करना पड़ता है सेप में, तो वो FBCJ के थ्रू ही करते हैं। तो वो हेड कैशियर बेसिकली करता है, तो इसी के थ्रू हम लोग एक्सपेंसेस एंट्री करते हैं सेप में। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट टी कोड है मेरा ZPIC_PRINT। तो उसका काम है जैसे कि मुझे एक पिक लिस्ट जनरेट करना है या फिर पिक लिस्ट जो आता है HO से, तो वो मैं सेप से इस टी कोड के थ्रू मैं पिक लिस्ट जनरेट करके एक्सेल में लेने के बाद मुझे क्या करना पड़ता है, DC से निकालना पड़ता है। तो जो पिक लिस्ट मुझे मिलता है या फिर जो पिक लिस्ट मुझे चाहिए होता है, तो वो इस टी कोड के माध्यम से मैं पिक लिस्ट निकालते हूँ। नेक्स्ट है ZSDC_PRINT HO। तो प्रिंट HO बेसिकली जो बॉक्सेस होगा GRT का, तो HO का जो लेवल है मतलब बॉक्स के ऊपर जो लेवल रहता है वो निकालने के लिए वो यूज़ होता है। तो कब स्टोर लेवल पे वो जब GRT जाता है, मतलब GRT जब रेडी हो चुका है बॉक्सेस में पेस्ट करने के लिए जो लेवल चाहिए, तो उसी लेवल के लिए ये मतलब ये टी कोड का यूज़ होता है। नेक्स्ट है मेरा ZSDC_STK05। तो ये बहुत ही रेयर केस में यूज़ होता है, जबकि एक साल में दो बार या फिर एक बार ही यूज़ होता है। तो ये स्टॉक टेक का जितना भी डिटेल्स है वो निकालने के लिए यूज़ होता है ये। तो इसका काम ही है स्टॉक टेक का, कितना क्वांटिटी हुआ या फिर स्टॉक टेक में कितना कितना आर्टिकल इंक्लूडेड हुआ, इसी के थ्रू देख सकते हैं। ये भी दूसरा है स्टॉक टेक का ही है टी कोड ZSCAN_0001। इसके माध्यम से भी हम लोग स्टॉक टेक का ही देख सकते हैं। ये थोड़ा अलग है, जैसे कि ये ऑफलाइन होके इसके बाद पुश टू सेप मारने के बाद जो सेप में शो करता है, इस टी कोड के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कितना हम लोगों ने स्टॉक टेक किया या फिर कितना बाकी है। नेक्स्ट टी कोड है हम लोगों का जो डिस्काउंट का, जैसे कि कौन सा आर्टिकल में डिस्काउंट लगाना है या फिर HO से जो कम्युनिकेशन आता है वो आर्टिकल में आपको डिस्काउंट के लिए प्री अप्रूव के लिए भेजना पड़ता है, सेप में एंट्री करना पड़ता है जो, तो इसी टी कोड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं डिस्काउंट के लिए मतलब रिक्वेस्ट डालते हैं सेप में। तो उस टी कोड का नाम है ZDISC_PR01। और इसी डिस्काउंट जितना भी मैंने डिस्काउंट आर्टिकल या फिर आइटम को मैंने स्कैन करके जो अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट भेजा, तो उसका अप्रूव हुआ कि नहीं या फिर इसका जो भी डिटेल्स है वो कहाँ पे चेक कर सकते हैं, इस टी कोड में। इस टी कोड का क्या, इस टी कोड क्या है, तो ZDISC_PR03। तो इस टी कोड के थ्रू हम लोग जितना भी डिस्काउंट के लिए अप्रूवल के लिए भेजा था वो अप्रूव हुआ कि नहीं, उसी के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा ZART, इसके बाद प्राइस होना था या फिर P के जगह पे L हो गया, तो PRICE। तो मतलब ZART price, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी एक आइटम का हम लोग क्या कर सकते हैं प्राइस, MRP या फिर जो भी डिटेल्स है वो वगैरह हम लोग इसी टी कोड के थ्रू देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैंने टोटल 29 सेफ्टी कोड कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।